प्रणाम आचार्य जी। मेरा प्रश्न स्वतंत्रता को लेकर है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को। जैसा कि आजकल देखने में आता है कि हर इंसान को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता का जो अंतर है उसको तो खासकर हमारे बच्चे बच्चियां, हमारी युवा पीढ़ी समझती नहीं है। उनको अपना जीवन अपने मनमाने ढंग से जीना होता है। तो अब ऐसे में अगर उन्हें हम कुछ समझाते भी हैं, जैसे कुछ मर्यादाएं तो होती हैं ही, और स्वतंत्रता के साथ कुछ अधिकार के साथ कुछ कर्तव्य भी होते हैं कुछ, तो इस सब को हम अगर समझाना चाहें तो वो नाराज हो जाते हैं। तो किस तरह से समझाया जाए ये, मतलब मैं नहीं समझ पा रही हूँ एक अभिभावक होने के तौर पर। उनसे कहिए हम दो होते हैं जी, ठीक है जी, ये उनको ही पता है जी, ठीक है ना। मान लीजिए किसी क्षण में आपके बच्चे आए, आप सब कह रहे हैं कि पता है माँ कल मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन अभी मुझे पता चल रहा है कि कल मैं जो सोच रहा था वो गलत था जी। जी, तो उसी क्षण का उपयोग करके उनको बताइए कि हम दो होते हैं। साफ दिख रहा है ना कि जी, हम जी। भीतर से एक नहीं है। अगर हम एक ही होते तो ऐसा कैसे हो जाता है कि कल गलत थे और आज सही है। तो हमारे भीतर दो तरह की संभावनाएं होती हैं, एक सही होने की और एक गलत होने की। यहां से शुरुआत कर सकती हैं समझाने की जी। हमारे भीतर ही संभावना होती है सही भी होने की और गलत भी होने की। उसके आगे अगर आप थोड़ा शास्त्रीय या जटिल तरीके से समझा सकें तो ऐसे कह सकते हैं कि जो सही होता है हमारे भीतर उसको कहते हैं आत्मा, जो गलत होता है हमारे भीतर उसको कहते हैं अहंकार। ठीक है, इन शब्दों का उपयोग नहीं करना हो तो कोई बात नहीं, कुछ और कह दीजिए। आजकल चलता है गुड वुल्फ बैड वुल्फ, या कुछ भी और बोल दीजिए कि भीतर एक अच्छा आदमी होता है और एक बुरा आदमी होता है, ऐसे बोल दीजिए। तो ये दो होते हैं, इनमें से आत्मा स्वतंत्र होती है और अहंकार स्वच्छंद होता है, ये अंतर है। आत्मा के साथ कौन सा शब्द लगेगा? स्वतंत्र। और अहंकार के साथ? स्वच्छंद। ठीक है, धन्यवाद। छूट मिलनी चाहिए बेशक, मुक्ति मिलनी चाहिए बेशक, पर किसको? आत्मा को, अहंकार को नहीं। तो इसीलिए किसी को भी छूट देने से पहले ये देख लो कि वो व्यक्ति आत्मा से संचालित है अहंकार से। जो अहंकार से संचालित है उनको छूट नहीं मिलती, उनको तो जेल मिलती है। तुम बताओ कुछ लोगों को जेल में क्यों डाल देते हो, उनकी स्वतंत्रता क्यों छीन लेते हो? क्योंकि स्वतंत्रता सिर्फ उनके लिए है जो आत्मा से चलते हो। जो आत्मा से नहीं चल सकते उनकी तो छीनी जाती है, उनको तो कैद में डाला जाता है। इसी बात को मैंने बहुत पहले ट्वीट करा था, फ्रीडम इज फॉर द फ्री। फ्रीडम उन्हीं को दो जो भीतर से फ्री हो। जो भीतर से अभी फ्री नहीं है, माने जो अभी भीतर से आत्मस्थ नहीं है, उसको तुमने फ्रीडम दे दी तो बड़ा अंधेर हो जाएगा। इस दुनिया को डुबो ही उन लोगों ने रखा है जिनको मन मर्जी करने की आजादी मिली हुई है। आजादी बहुत खतरनाक चीज है, सबको नहीं मिलनी चाहिए। ये कैसी बात कर दी आपने, आजादी सबको नहीं मिलनी चाहिए तो क्या हम गुलाम रहे? बात को समझिए, जल्दी से प्रतिक्रिया मत कर दीजिए। जो आदमी अभी अपने अंधेरे का गुलाम है, जो आदमी अभी अपने भीतर के जानवर का गुलाम है, वो भीतर से तो गुलाम ही रह गया ना, बाहर से आपने उसको आजादी दे दी। अब वो इस आजादी का क्या करेगा, बोलो? वो इस आजादी का कोई पाशविक इस्तेमाल ही करेगा, एनिमलिस्टिक इस्तेमाल ही तो करेगा ना। तो किसी को बाहर आजादी दो, इससे पहले जांच तो लो कि उसके भीतर कितनी आजादी है, या बस बाहर आजादी आजादी का नारा लगाते रहोगे। जिस अनुपात में कोई भीतर से मुक्त हो उसी अनुपात में उसे बाहर से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।
जितनी ऊंची आपकी चेतना हो बाहरी दुनिया में उतनी ही ऊंची आपकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। और ये बात आप जानते भी हो लेकिन सिद्धांतों के सामने भूल जाते हो। फ्रांसीसी क्रांति का जो लिबर्टी का आदर्श है उसके सामने हम कुछ बहुत स्पष्ट सी बातें भूल जाते हैं जो हमें पता होनी चाहिए लेकिन भूले बैठे हैं। आपका छोटा बच्चा होता है उसे बाहर घूमने की आजादी क्यों नहीं दे देते? आपका छोटा बच्चा है 3 साल का है उसको आजादी क्यों नहीं दे रहे कि जाओ बाहर घूम के आओ? जल्दी बोलो, क्योंकि समझ नहीं है। और बच्चा अगर बोलने लगे कि मेरा मानवाधिकार हनन हो रहा है तो मेरी आजादी छीनी जा रही है, तब तो वहां आप कहोगे क्या मजाक की बात कर रहा छोटू, तेरे पास अभी इतनी चेतना नहीं है कि तुझे आजादी दी जाए, तुरंत कह दोगे ना। और इस बात को कहोगे तो कॉमन सेंस है, अभी इसको आजादी थोड़ी दी जा सकती है। फिर जब जैसे जैसे उसकी चेतना बढ़ेगी, और ये आपका ही दायित्व है कि उसकी चेतना को बढ़ाओ, आप उसकी चेतना को जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे आप उसकी छूट भी बढ़ाते चलोगे। पहले कहोगे अब तेरी इतनी छूट है कि मोहल्ले के अंदर घूम ले, फिर कुछ सालों बाद कहोगे अच्छा ठीक है चल बाजार तक भी घूम के आ जा। फिर जब और बड़ा हो जाएगा तो उसको आप ये छूट भी दे दोगे कि चलो जाओ दूसरे शहर घूम कर आ जाओ। और बड़ा हो जाएगा तो आप उसे विदेश यात्रा की भी छूट दे दोगे। लेकिन वो 3 ही साल का है और कहे आजादी, दे दोगे? दे दोगे क्या? हम ये बात बिल्कुल भूल जाते हैं कि यही बात बड़ों पर भी लागू होती है। छोटू के साथ ये बात हमको ठीक लगती है, हाँ ठीक है, पर भूलो नहीं कि बात यहाँ छोटू के कद की नहीं छोटू के चेतना की हो रही है। छोटू की चेतना छोटी है तो बाहर उसको आजादी भी छोटी मिलनी चाहिए। और अगर कोई 25 साल का हो गया हो और चेतना में अभी भी छोटू हो तो उसको कितनी आजादी दे दें? हो तो गए 25 साल के और चेतना में है छोटू तो उन्हें कितनी आजादी मिल जानी चाहिए? बहुत ज्यादा। और ज्यादातर लोग कैसे हैं 25 साल वाले, चेतना में छोटू हैं या लंबू हैं? जब चेतना के छोटू हो तो बोलो कितनी आजादी दें तुमको। लेकिन सबको चाहिए और मिल भी जाती है क्योंकि सिद्धांत की बात है भाई, सिद्धांत की बात है ना, लिबर्टी चाहिए और मिल भी गई। और क्या किया? पूरी दुनिया में आग लगा दी, नाश कर दिया। भूलिए नहीं कि अध्यात्म से ज्यादा मुक्ति का समर्थक कोई नहीं होता। ये सारी बातें आप उस आदमी से सुन रहे हैं जो दिन रात मुक्ति मुक्ति रटता है। चूंकि मैं मुक्ति मुक्ति रटता हूं इसीलिए मैं जानता हूं कि मुक्ति हमें क्यों नहीं मिलती। मुक्ति हमें इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि अहंकार बस बाहरी मुक्ति बाहरी आजादी चाहता है, स्वयं को नहीं बदलना चाहता। मैं बहुत गंभीर हूं आजादी के बारे में, मैं चाहता हूं सब आजाद हो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाहरी आजादी मांगने से पहले भीतरी तो पैदा करो। कुछ आ रही है बात समझ में? हमारे बच्चों को ये बहुत मूर्खतापूर्ण सिद्धांत बता दिए गए हैं। यू शुड हैव फ्रीडम, ओ आई एम माई ओन पर्सन, मेरी मर्जी। मम्मी को समझ में नहीं आता बोले क्या, बोल रही है मेरी मर्जी और गेट से बाहर निकलते वक्त तो वहां पे मेंढक बैठा था, मम्मी। मेंढक, छिपकली, कॉकरोच। अभी इनसे पार नहीं पा रहे लेकिन मेरी मर्जी। जीज इट्स माय लाइफ। कुछ बताओ तो। आपसे पूछा किसी ने क्या, इतना कूल लगता है ना इस तरह से बोलना,
जेब में मेढक रखा करो, जैसे ही ऐसे बोले ऐसे दिखा दो, ये है जवाब तेरा, ये है असलियत और औकात तेरी। मेढक से इतना डरते हो, जिंदगी की तुमको कोई समझ नहीं। और मेरी मर्जी कैसे? कुछ करने को बोलिए तो, नहीं करना, नहीं मामा मैं नहीं कर रहा। नहीं क्यों नहीं कर रहे? बस मुझे पसंद नहीं है। नहीं क्यों नहीं पसंद है? नहीं मैं नहीं बता रहा, बस नहीं है ना पसंद। सर क्यों इतना चढ़ा लेते हो? क्या जवाब है? बात करो ना। अगर तुम आजादी की बात करते हो तो आजादी के तो साथ साथ चलता है संवाद, बातचीत, डिस्कशन, डिबेट। ये क्या है? नहीं बस मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं कर रही। ये क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम्हें खुद भी पता नहीं कि तुम्हें क्यों नहीं पसंद है। जब तुम्हें कुछ नहीं पसंद होता और तुम्हें पता भी नहीं होता तुम्हें क्यों नहीं पसंद है, तो यह सबूत होता है एनिमल इंस्टिंक्ट्स का। हर जानवर को कुछ पसंद होता है, कुछ नापसंद होता है, लेकिन जानवर को पता नहीं होता कि उसको जो पसंद है वो क्यों पसंद है और जो नहीं पसंद है वो क्यों नहीं पसंद है। शेर को क्या पता है कि उसे घास क्यों नहीं पसंद है? जल्दी बोलो। गाय का बछड़ा पैदा होता है, वो गाय की तरफ भागता है दूध पीने को। तुम उससे पूछो बता तुझे दूध क्यों पसंद है, क्या वो बता पाएगा? पर उसे दूध पसंद है। और आपके बच्चे भी आपको ये जवाब देते हैं, नहीं बस मुझे पसंद नहीं है। तो तू गाय है, तू भैंस है, तुझे कुछ पता नहीं। और तुझे अगर कुछ पता नहीं है तो तुझे आजादी क्यों मिले? आजादी क्यों मांग रहा है? जिस दिन तुझे पता चल जाए कि तेरा मन किस तरह चलता है उस दिन तुझे मिलेगी आजादी। उससे पहले बात मत कर। इसमें समस्या बस एक है, मां बाप को खुद नहीं पता कि उन्हें जो पसंद है वो क्यों पसंद है। तो अब कौन किसको समझाए? अंधा अंधे ठा लिया, दोनों डूबे कूप। मैं कहानी पढ़ाया करता था, कंट्री ऑफ द ब्लाइंड। वो एक ऐसी जगह की है जहां सब अंधे हैं, सब अंधे हैं। तो वहां एक आंखों वाला पहुंच जाता है, वो अंधे उसको पकड़ के रास्ता दिखा रहे होते हैं। जब माँ बाप भी अंधे हों तो वो बच्चों के साथ कैसे कोई अच्छा संवाद कर पाएंगे? चेतना से छोटू बनाम छोटू, बस एक की उम्र 40 की है, एक की 15 की है। शरीर से अंतर है, चेतना में तो दोनों एक बराबर है ना। और शरीर का क्या है? शरीर से भी माओं को यही पसंद होता है कि कोई बोल बस दे, ओ आप तो अपनी बेटी की बहन जैसी लगती हैं। तो चेतना तो छोड़ दो, हमें तो शरीर से भी बड़ा नहीं होना है। इससे ज्यादा फक्र की बात ही नहीं होती। बौनों का युग है, डॉर्फिज्म, जहां सबसे बड़ा गुनाह है बड़ा हो जाना। जो बड़ा हो गया वो बहिष्कृत हो जाता है। बौनों के समुदाय हैं, बौनों की टोलियां हैं, बौनों का बहुमत है। हम सब छोटू,